हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, ये देखो मैंने कितना सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आपके बच्चे के स्वेटर के लिए। ये स्नोमैन का डिजाइन है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप 0 से लेकर 15 साल के ईयर्स के बच्चों तक का स्वेटर में ये बना सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बच्चे काफ़ी खुश होंगे। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। मैं अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, लाइन बाय लाइन बताऊँगी फ्रेंड्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो मैं उल्टा सीधा बनाना और बॉर्डर बनाना दोनों अपने वीडियो में बताई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फ्रेंड्स। अगर बॉर्डर बनाना उल्टा सीधा बनाना आता हो तो आप इजीली इस स्वेटर को डिजाइन को बना सकते हो। मैंने स्पाइडर मैन के का भी स्वेटर का पूरा पैटर्न बताया है फ्रेंड्स, पूरा स्वेटर ही बताया है। अगर आप स्पाइडर मैन का स्वेटर बच्चों के लिए बनाना चाहो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और अभी मैं ये स्नोमैन का जो पैटर्न है ये आपको बता दूं और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने ब्लैक ऊन से थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है 3 अंगुल का, और थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है और एक सिलाई उल्टा और एक सिलाई सीधा बुन ली हूँ। सिर्फ आपको डिजाइन बताने के लिए हमने इतना बुना है फ्रेंड्स। आप इसे स्वेटर पर बनाओ तो अपने अनुसार इसे बॉर्डर बनाओ। अब मैं क्या करूँगी कि पूरा अब यहाँ से मैं दूसरा ऊन जोड़ूँगी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक वन सिलाई सीधा और वन सिलाई उल्टा बुनने के बाद अब यहाँ से मैं दूसरे कलर का ऊन जोड़ूंगी। ये है वाइट कलर है फ्रेंड्स। वाइट कलर ब्लैक कलर पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है फ्रेंड्स, सुंदर लगता है, इसलिए मैं ब्लैक पर वाइट जोड़ूंगी। और पहला लूप में उतार लूँगी और दूसरे लूप से मैं पूरा एक सिलाई में वाइट बुन दूंगी। पूरा सिलाई फ्रेंड्स शुरू से लास्ट तक इसी वाइट से मैं बुनते चली जाऊंगी, पूरा सीधा सिलाई। अब पूरा बुनकर आपको बताती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, हमने पूरा सिलाई वाइट बुन लिया है। अब मैं उल्टा सिलाई बुनूंगी, ये भी पूरा वाइट बुनूंगी, दो सिलाई मैं वाइट बुनूंगी। फिर इस तरह एक उल्टा और एक सीधा हमने सफ़ेद ऊन से बुन लिया है। एक सिलाई सीधा हमने सफ़ेद ऊन से बुना और फिर दूसरी सिलाई भी सफ़ेद ऊन से बुनी। अब दो सिलाई वाइट से बुनी हूँ, अब दो सिलाई मैं ब्लैक से बुनूंगी। हाँ फ्रेंड्स, हमने दो सिलाई वाइट और दो सिलाई ब्लैक बुन ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि एक वाइट और एक ब्लैक बुनूंगी। फर्स्ट लूप तो मैं उतार लूँगी सिंपल फ्रेंड्स, और हमेशा जो ऊन होता है जब दूसरा कलर का जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो ये पीछे कर बुनते हैं, ताकि इस दूसरे तरफ करके ताकि हमारा बीच में होल ना बने। और फिर एक मैं वाइट बुनूंगी, फिर एक ब्लैक बुनूंगी। वापस जब ब्लैक बुनूंगी तो वाइट वाले ऊन को उसके ब्लैक वाले उनके ऊपर से ले जाकर दूसरे साइड कर दूंगी, फिर ब्लैक बुनूंगी। फिर हमें वाइट बुनना है तो फिर जो ब्लैक वाला ऊन है उसे उस साइड कर दूंगी, दूसरे साइड वाइट वाले ऊन के ऊपर से, और फिर वाइट बुनूंगी। अगर ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स तो हमारा बीच में होल बनते जाएगा। और इसी तरह मैं दो सिलाई बुनकर आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो हमने एक सिलाई बुन ली हूँ। एक सिलाई में हमने एक ब्लैक वन ब्लैक और वन वाइट वन ब्लैक वन वाइट, मतलब कि एक सफ़ेद एक काला एक सफ़ेद मैंने बुन लिया पूरा सिलाई। पहली सिलाई हमने बुन ली, अब दूसरी सिलाई भी मैं ब्लैक और वाइट ही बुनूंगी फ्रेंड्स। वन लूप ब्लैक और वन लूप वाइट। लेकिन करेंगे क्या फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लैक था वो वाइट बुन देंगे और जो वाइट था उसे हम ब्लैक बुन देंगे। हम फर्स्ट लूप तो उठा लेंगे फ्रेंड्स,
उल्टी में सीधा में हमने बुन चुकी हूँ, अब उल्टा बुनना है हमें। तो फर्स्ट लूप तो मैं ऐसे ही उतार ली हूँ और सेकेंड लूप हमारा वाइट है इसलिए वाइट को हम ब्लैक बुन देंगे और फिर जो ब्लैक है उसे वाइट बुन देंगे, फिर जो वाइट है वो ब्लैक बुन दूंगी और फिर जो ब्लैक है वो वाइट बुन दूंगी। इसी तरह फिर पूरी सिलाई ब्लैक के जो वाइट है उसे ब्लैक और जो ब्लैक है उसे वाइट बुनते हुए पूरी सिलाई पूरा करूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो हमने वाइट लूप के बाद ब्लैक लूप और ब्लैक जो वाइट था उसे ब्लैक और जो ब्लैक था उसे वाइट बुनते हुए पूरा सिलाई बुन ली हूँ फ्रेंड्स। अब एक बार बता दूँ मैं, पहले हमने दो वाइट बुना, दो सिलाई वाइट बुना, दो सिलाई ब्लैक बुनी, फिर एक लूप ब्लैक एक लूप वाइट बुनते हुए हमने पूरी सिलाई बनाई और फिर दूसरी सिलाई में हमने जो ब्लैक लूप बुनी थी उसको वाइट बुनी और जो वाइट लूप बुनी थी उसे ब्लैक बुनी करते हुए हमने पूरा सिलाई पूरा किया फ्रेंड्स। और फिर वापस हम दो सिलाई उल्टा सीधा सिर्फ ब्लैक से बुनेंगे। पहली हम उतार लेंगे फ्रेंड्स पहला लूप और बाकी सब ब्लैक से बुन देंगे। इसके पहले हम एक लूप ब्लैक और वाइट बुन रहे थे, अब मैं पूरा ब्लैक से बुनूंगी दो सिलाई के बाद। और ऐसे ही मैं दो सिलाई ब्लैक से बुनूंगी, एक सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई। हाँ फ्रेंड्स, हमने दो ब्लैक बुन ली हूँ। इस तरह हमने दो वाइट, दो सिलाई वाइट, दो सिलाई ब्लैक, दो सिलाई ब्लैक एंड वाइट और दो सिलाई ब्लैक बुन ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, दो सिलाई वाइट बुन लूँगी दो सिलाई ब्लैक के बाद और दो सिलाई पूरा वाइट बुन लूँगी। दो सिलाई बुनकर आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमारा अब दो ब्लैक के बाद दो वाइट और वापस मैं दो ब्लैक बुनूंगी। दो सिलाई हमने वाइट बुन ली हूँ फ्रेंड्स, अब मैं वापस दो ब्लैक बुनूंगी, उसके बाद हमारा मेन डिजाइन स्टार्ट होगा। बुनकर दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ तक बुन चुके हूँ फ्रेंड्स। इसमें हमने टू सिलाई वाइट, टू सिलाई ब्लैक, टू सिलाई ब्लैक एंड वाइट, टू सिलाई ब्लैक, फिर टू सिलाई वाइट और वापस टू सिलाई ब्लैक बुनी हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ से मेरा डिजाइन मेन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। मैं फाइव लूप ब्लैक बुनूंगी शुरुआत का। 1, 2, 3, 4 और 5 फाइव लूप हमने ब्लैक बुना फ्रेंड्स। अब क्या करूँगी, इस धागा को आगे की ओर करके ऊपर से ले जाकर वाइट को मैं फाइव वाइट बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वाइट के बाद फ्रेंड्स मैं 7 ब्लैक बुनूंगी वापस। और जब भी चेंज करेंगे फ्रेंड्स, जिसे बुन रहे थे वो सामने करके और उसके ऊपर से मैं दूसरा धागा, दूसरा ऊन ले जाऊंगी और इसको फैला दूंगी थोड़ा ताकि बंधे नहीं, गठान ना पड़े। और मैं अब 7 ब्लैक बुनूंगी। 3, 4, 5 फाइव बुनने के बाद फ्रेंड्स एक बार फिर धागा को मैं उसी तरह पलट दूंगी, ब्लैक धागा के ऊपर से ले जाकर वापस ब्लैक से बुनूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा पीछे का जो ये धागा है ये छोटा छोटा बनेगा फ्रेंड्स, नहीं तो काफ़ी लंबा बनेगा जिससे ये फंसने का चांस रहेगा।
सिक्स और ये सेवन, और वापस फिर मैं सेवन ब्लैक के बाद फ्रेंड्स फिर वापस फाइव में वाइट बुनूंगी। वन टू थ्री फोर और फाइव, और फाइव वाइट के बाद फ्रेंड्स वापस मैं सेवन ब्लैक बुनूंगी। सिर्फ शुरुआत फर्स्ट फाइव लूप्स ब्लैक बुनूंगी और लास्ट फाइव लूप्स ब्लैक बुनूंगी, और बाकी सब में मैं फाइव वाइट सेवन ब्लैक, फाइव वाइट सेवन ब्लैक, और फिर फाइव वाइट फिर सेवन ब्लैक बुनूंगी। अब पूरा बुनकर आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब इसमें मैं शुरुआत का फाइव लूप्स में फाइव रखी हूँ ब्लैक, फिर फाइव वाइट, फिर सेवन ब्लैक, फिर फाइव वाइट, फिर सेवन ब्लैक, फिर फाइव वाइट, फिर सेवन ब्लैक, फिर फाइव वाइट, और लास्ट का फाइव ब्लैक। फर्स्ट और सेकेंड फाइव फाइव ब्लैक है फ्रेंड्स, बाकी सब फाइव वाइट और सेवन ब्लैक है। जितना भी आप लूप लो ऐसे ही तैयार करना, सिर्फ लास्ट का ही फाइव फाइव ब्लैक लेना और बाकी सब फाइव वाइट और फाइव सेवन ब्लैक लेना फ्रेंड्स। अब मैं दूसरा सिलाई इस डिज़ाइन का बताती हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा फाइव ब्लैक था वो हम फोर ब्लैक बुनेंगे। वन टू थ्री और फोर ब्लैक बुने फ्रेंड्स। देखो ये फोर ब्लैक बुने। अब हम जो फाइव वाइट था वो सेवन वाइट चलेगा इस तरह। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, वन ब्लैक वाइट में बदल जाएगा। सेवन सेवन हमारा वाइट हुआ। अब मैं फाइव ब्लैक बुनूंगी। वन टू थ्री फोर और फाइव ब्लैक, और फिर वापस सेवन वाइट बुनूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव और सेवन, थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, और फिर वापस मैं फाइव ब्लैक बुनूंगी। सिर्फ शुरू का मैं फोर ब्लैक बुनी हूँ और लास्ट का वापस फोर ब्लैक बुनूंगी, और बाकी सब में फ्रेंड्स सेवन वाइट और फाइव ब्लैक बुनूंगी। अब पूरा बुनकर बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमारी दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई भी पूरा हो गया। इसमें हमने फर्स्ट का चार लूप हमने ब्लैक रखा था फ्रेंड्स, फिर सेवन लूप वाइट, फिर फाइव लूप ब्लैक, फिर सेवन लूप वाइट, फिर फाइव लूप ब्लैक, सेवन लूप वाइट, फिर फाइव लूप ब्लैक और सेवन लूप वाइट, और लास्ट का फोर लूप हमारा ब्लैक। अब मैं तीसरी सिलाई स्टार्ट करती हूँ इस डिज़ाइन का। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारी ये तीसरी सिलाई है फ्रेंड्स। तीसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो चार लूप हमारा जो ब्लैक था वो अब हम तीन ही लूप ब्लैक बुनेंगे फ्रेंड्स। फोर लूप जो हमारा ब्लैक था अब थ्री लूप हम ब्लैक बुनेंगे। वन टू थ्री और फिर वन ब्लैक लेते हुए फोर वाइट बुनेंगे। वन टू थ्री और फोर और वापस वन ब्लैक बुनेंगे और फिर वापस फोर
व्हाइट बुनेंगे। थ्री और फोर, हाँ फ्रेंड्स, अब फोर व्हाइट के बाद वापस हम थ्री ब्लैक बुनेंगे। वन टू और थ्री, और थ्री ब्लैक के बाद जो हमारा वन ब्लैक था लास्ट, उसे हम व्हाइट बुनेंगे। मतलब थ्री ब्लैक के बाद फोर व्हाइट बुनेंगे फोर लूप। वन टू थ्री और फोर, फिर वापस फोर व्हाइट के बाद वापस वन ब्लैक बुनेंगे, और वन ब्लैक के बाद फ्रेंड्स वापस हम थ्री फोर सॉरी फ्रेंड्स फोर व्हाइट बुनेंगे। हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह मैं पूरा सिलाई बुनूंगी। पहले थ्री ब्लैक, फिर फोर व्हाइट, फिर वन ब्लैक, फिर फोर व्हाइट, फिर थ्री ब्लैक, फिर फोर व्हाइट, ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनकर दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमारा थर्ड सिलाई में फ्रेंड्स हमने थ्री ब्लैक, फोर व्हाइट, वन ब्लैक, फोर व्हाइट, फिर वापस थ्री ब्लैक, फोर व्हाइट, वन ब्लैक, फोर व्हाइट, थ्री ब्लैक, फोर व्हाइट, वन ब्लैक, फोर व्हाइट, थ्री ब्लैक, फोर व्हाइट, वन ब्लैक, फोर व्हाइट और थ्री ब्लैक बुन ली फ्रेंड्स। अब मैं वापस हमारा फोर्थ सिलाई में क्या करूँगी, फोर्थ सिलाई में हम वापस थ्री ब्लैक बुनेंगे। वन टू और थ्री, थ्री ब्लैक हमारा हो गया। अब मैं नाइन व्हाइट बुनूंगी। वन टू थ्री फोर, फोर लूप के बाद एक बार टर्न करा देंगे फ्रेंड्स ब्लैक, ब्लैक वाला धागा आगे करके, ताकि हमारा पीछे लंबा लंबा धागा ना बने। फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन, और वापस थ्री ब्लैक। वन टू और थ्री ब्लैक, और वापस नाइन वाइट। अब मैं ऐसे ही पूरा सिलाई बुन लेंगे फ्रेंड्स, थ्री ब्लैक नाइन वाइट, थ्री ब्लैक नाइन वाइट। अब पूरा मैं बुनकर दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ सिलाई पूरा हो गया। अब मैं आपको इसमें बता दूँ, थ्री हमने ब्लैक बुना और नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री ब्लैक नाइन वाइट, थ्री ब्लैक नाइन वाइट, थ्री ब्लैक नाइन वाइट, थ्री ब्लैक नाइन वाइट और थ्री वापस ब्लैक। अब हमारा फिफ्थ सिलाई पूरा होगा फ्रेंड्स, और फिफ्थ सिलाई सेम हमारा थर्ड सिलाई की तरह ही चलेगा। जो लुक जो ब्लैक से बुने थे ब्लैक, और वाइट से बुने थे वाइट। हाँ फ्रेंड्स, जैसा थर्ड सिलाई में बुने थे वो सेम वैसे ही मैं फिफ्थ सिलाई में बुनूंगी। तीन हमने ब्लैक बुना, फिर फोर वाइट बुनूंगी, थ्री फोर और वापस वन ब्लैक बुनूंगी, और वापस फोर वाइट बुनूंगी। वन टू थ्री और फोर, और वापस थ्री ब्लैक बुनूंगी। ऐसे ही हमने थर्ड सिलाई में भी बुनी थे फ्रेंड्स, और फिर वापस फोर्थ वाइट बुनूंगी। अब मैं
पूरा आपको बुनकर बताती हूँ फिफ्थ सिलाई। हाँ फ्रेंड्स, ये हमने पूरा फिफ्थ सिलाई बुन ली हूँ। हमने थर्ड सिलाई की तरह ही फिफ्थ सिलाई का बुनाई करी हूँ। 3 ब्लैक 4 वाइट 1 ब्लैक 4 वाइट 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 और लास्ट 3 ब्लैक। अब मैं 6 सिलाई बुनूंगी फ्रेंड्स, और 6 सिलाई मैं फोर्थ सिलाई की तरह बुनूंगी। जो 6 सिलाई हमारा बुनाएगा, जैसे मैं फोर्थ सिलाई बुनी थी सेम वैसे ही बुनूंगी। तो फर्स्ट का 3 लूप मैं ब्लैक बुनूंगी, और फिर मैं 9 लूप वाइट बुनूंगी, 3 ब्लैक और 9 वाइट। ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनूंगी फ्रेंड्स। हमने 3 लूप ब्लैक का बुन लिया, अब 9 लूप में वाइट का बुनूंगी। 7 8 और 9 वापस 3 लूप में ब्लैक का बुनूंगी, और फिर 9 का बुनूंगी। ऐसे ही मैं पूरा सिलाई करूंगी फ्रेंड्स, अब बुनकर बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमने 6 सिलाई भी पूरा बुन ली हूँ। 6 सिलाई हमने सेम वैसे ही बुनी हूँ जैसा हमने 4 सिलाई बुनी थी। 3 लूप ब्लैक 9 लूप वाइट 3 लूप ब्लैक 9 वाइट 3 लूप ब्लैक 9 वाइट 3 लूप ब्लैक और 9 वाइट और लास्ट में 3 लूप ब्लैक। अब मैं 7 सिलाई बुनूंगी फ्रेंड्स, और 7 सिलाई सेम मैं 3 और 5 सिलाई की तरह ही बुनूंगी। इसमें 3 मैं लूप में ब्लैक लूंगी जैसा हमने 3 सिलाई 3rd सिलाई और 5th सिलाई में बुनी थी फ्रेंड्स, सेम वैसा ही मैं 7 सिलाई में बुनूंगी। 3 ब्लैक फिर 4 वाइट और वापस 1 ब्लैक वापस 4 वाइट और वापस 3 ब्लैक। ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनूंगी फ्रेंड्स, 3 ब्लैक 4 वाइट 1 ब्लैक 4 वाइट और फिर वापस 3 ब्लैक 3 ब्लैक। अब ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनकर आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमारा 7 सिलाई पूरा हो गया। 7 सिलाई भी हमने 3rd और 5th सिलाई की तरह बुनी हूँ फ्रेंड्स। ये देखो, 3 ब्लैक 4 वाइट 1 ब्लैक 4 वाइट 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 और 3 ब्लैक। अब हमारा 7 सिलाई पूरा होगा फ्रेंड्स। 7 सिलाई थोड़ा अलग है। इसमें हम पहले 2 ब्लैक बुनेंगे, और फिर 1 वाइट बुनेंगे, और वापस 1 ब्लैक बुनेंगे, और वापस 7 वाइट बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 वाइट के बाद फ्रेंड्स 1 जो लास्ट हमारा वाइट, उसको ब्लैक बुन देंगे। और फिर 1 वाइट बुनेंगे, वन ब्लैक बुनेंगे, वापस 1 वाइट बुनेंगे, वापस 1 ब्लैक बुनेंगे, और फिर 7
व्हाइट बुनेंगे फ्रेंड्स, वन ब्लैक के बाद वापस सेवन व्हाइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सेवन व्हाइट के बाद फ्रेंड्स वन ब्लैक बुनेंगे, फिर वन व्हाइट बुनेंगे। ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनकर आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हमारा एट सिलाई पूरा हो गया है। अब आप ध्यान से देख लो, मैं बताती हूँ। हम फर्स्ट टू लूप हमने ब्लैक बुना है, फिर वन वाइट, फिर वन ब्लैक और फिर सेवन वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक और सेवन वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाइट, फिर वापस वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक और वापस सेवन वाइट, हमारा सेवन वाइट, फिर वापस वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, वापस सेवन वाइट और फिर वन ब्लैक, वन वाइट और लास्ट का टू ब्लैक। इस तरह हमारा एट सिलाई पूरा हो गया फ्रेंड्स। अब नाइन सिलाई आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं नाइन सिलाई स्टार्ट करूँगी और नाइन सिलाई में हमारा एक और कलर का ऊन जुट जाएगा फ्रेंड्स, रेड ऊन जुट जाएगा। अब बीच में रेड ऊन जोड़ूँगी। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लूप में ब्लैक बुनूँगी। फर्स्ट लूप में सीधा ब्लैक उतार ली, जो हमेशा उतारती हूँ, और फिर वन मैं वाइट बुनूँगी और थ्री लूप फिर ब्लैक बुनूँगी, वन टू और ये थ्री लूप हमने ब्लैक बुना फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम रेड ऊन को जोड़ेंगे, तो यहाँ से मैं रेड ऊन जोड़ती हूँ और फिर फाइव लूप में रेड से बुनूँगी। यहाँ से मैं इस पीछे से इस तरह पकड़ के और सीधा वाइट के बदला इस तरह पकड़ के मैं वाइट ऊन जोड़ देती हूँ वन, बाद में मैं इसे बांध दूँगी फ्रेंड्स। फाइव लूप में रेड बुनूंगी, वन टू थ्री थ्री, दोनों को एक बार टर्न करा देते हैं नहीं तो हमारा लंबा लंबा सेशन चला जाएगा, फोर और फिर फाइव लूप हमने रेड से बुना फ्रेंड्स और फिर थ्री लूप में ब्लैक से बुनूंगी, वन टू और थ्री, वापस वन लूप में वाइट से बुनूंगी, रेड उनको भी एक बार टर्न करा दे और फिर वाइट से बुनूंगी, वन लूप वाइट से फिर वापस थ्री लूप ब्लैक से, वन टू और थ्री लूप ब्लैक से और वापस फाइव रेड से। जब भी टर्न कराएंगे फ्रेंड्स हम दोनों उनको टर्न कराएंगे। अब हमें रेड बुनना है तो वाइट को आगे कर देंगे, फिर मैं रेड से बुनूंगी फाइव लूप, वन टू थ्री और फोर और फाइव, वापस थ्री लूप ब्लैक से, तो वाइट को भी टर्न करा देंगे एक बार, फिर मैं ब्लैक से बुनूंगी थ्री लूप। और ऐसे ही मैं पूरा बुनकर आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये नाइन सिलाई हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं काउंट करके बता दूँ, हमारा पहला लूप ब्लैक बुनी थी, सेकेंड लूप हमारा वाइट, फिर थ्री ब्लैक,
फाइव रेड थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक फाइव रेड थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक फाइव रेड थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक फाइव रेड थ्री ब्लैक वन वाइट और लास्ट का वन ब्लैक। अब मेरा ये 10 सिलाई चलेगा फ्रेंड्स। 10 सिलाई में क्या है कि मैं सिर्फ वाइट और ब्लैक ऊन से बनाऊंगी फ्रेंड्स, रेड ऊन हमारा नहीं चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर कट करके बांध सकते हो और नहीं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर आप इसे बैंड करके आप ले भी जा सकते हो फ्रेंड्स। जैसे हमारा ये 10वीं सिलाई स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम फर्स्ट 5 ब्लैक बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फाइव ब्लैक के बाद फ्रेंड्स 5 वाइट बुनेंगे। वन टू थ्री फोर और 5 5 वाइट बुने फ्रेंड्स, लेकिन हमारा ये रेड वाला ऊन नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चलेगा। तो मैं क्या करूँगी, ब्लैक को आगे करूँगी, साथ में रेड को भी आगे करूँगी और फिर मैं 7 लूप ब्लैक बुनूँगी। 5 वाइट के बाद 7 ब्लैक। वन टू थ्री फोर, फोर उनके बाद फिर एक बार टर्न करा देंगे फ्रेंड, ताकि लंबा सेशन ना हो। 5 6 और ये 7। इस तरह हमारा रेड ऊन देखो साथ में इधर ही जा रहा है बार बार टर्न कराने से। अगर आपको ऐसे मुश्किल हो तो आप यहाँ बांध भी सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हम जब सीधा बुनेंगे तो रेड को भी साथ में लेकर बुनेंगे। अब मेरा 7 ब्लैक के बाद 5 वाइट है, तो फिर रेड को भी आगे कर देंगे और ब्लैक को भी आगे करके और फिर 5 वाइट बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 वाइट के बाद 7 ब्लैक, तो रेड को भी आगे कर देंगे, वाइट को भी आगे कर देंगे और फिर 7 ब्लैक बुनेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैं 5 वाइट बुनूंगी। अब ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बनाऊंगी फ्रेंड्स, बनाकर बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 10 सिलाई पूरा हो गया फ्रेंड्स। और ये देखो हमारा ये सिर्फ हमने ब्लैक एंड वाइट ऊन से ही पूरा ये सिलाई पूरा किया है, लेकिन हमारा बार बार बंद करने के कारण हमारा रेड वाला भी ऊन इस साइड आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट सिलाई में हमारा रेड वाला भी चलेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ लाते तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए साथ में बैंड करते हुए हम यहाँ तक ले आए हैं। अब मैं इसे काउंट करके बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट 5 ब्लैक 5 वाइट 7 ब्लैक 5 वाइट 7 ब्लैक 5 वाइट 7 ब्लैक 5 वाइट और लास्ट 5 ब्लैक।
अब मैं 11 सिलाई बनाऊंगी फ्रेंड्स, और 11 सिलाई में हमारा फर्स्ट 4 ब्लैक होगा। वन टू थ्री और फोर, फोर ब्लैक और 3 वाइट। वन टू और 3 वाइट, 1 रेड। अब हमारे इस सिलाई में रेड स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, और फिर 1 रेड, फिर 3 वाइट, वन टू और 3 वाइट, 5 ब्लैक, वन टू 3 4 और 5 ब्लैक, फिर 3 वाइट, वन टू 3 वाइट, 1 रेड, वन रेड, 3 वाइट, वन टू और 3 वाइट, 5 ब्लैक। ऐसे ही मेरा पूरा सिलाई चलेगा फ्रेंड्स। अब मैं पूरा 11 सिलाई बुनकर आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 11 सिलाई पूरा हो चुका फ्रेंड्स। अब मैं इसमें आपको बता दूँ हमने कैसे बुना है। हम फर्स्ट 4 लूप ब्लैक, और फिर 3 लूप वाइट, 1 रेड, 3 वाइट, 5 ब्लैक, 3 वाइट, 1 रेड, 3 वाइट, वाइट 5 ब्लैक, 3 वाइट, 1 ब्लैक, 3 वाइट, 5 ब्लैक, 3 वाइट, 1 ब्लैक, 3 वाइट, और लास्ट 4 ब्लैक। अब मैं 12 सिलाई बनाऊंगी फ्रेंड्स। 12 सिलाई में, हाँ फ्रेंड्स, 12 सिलाई में हमारा रेड ऊन नहीं चलेगा। 12, 13 और 14, ये 3 सिलाई में हमारा रेड ऊन नहीं चलेगा, सिर्फ हम ब्लैक एंड वाइट से बुनेंगे। तो हमारा ये 12 सिलाई में फर्स्ट 4 ब्लैक बुनेंगे फ्रेंड्स। 1, 2, 3 और ये 4। हाँ फ्रेंड्स, 4 12 सिलाई में हमने 4 ब्लैक बुना। अब मैं 2 वाइट बुनूंगी, 1 और ये 2 वाइट, और फिर वापस 1 ब्लैक बुनूंगी, और फिर 1 वाइट बुनूंगी, और फिर 1 ब्लैक बुनूंगी, और फिर 2 वाइट बुनूंगी, 1 और ये 2 वाइट, और वापस मैं 5 ब्लैक बुनूंगी, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर 2 वाइट बुनूंगी,
वन और ये टू, वन ब्लैक बुनूंगी, वन ब्लैक और फिर वन वाइट बुनूंगी, वापस वन ब्लैक बुनूंगी और फिर टू वाइट बुनूंगी, वन और ये टू वाइट और फिर वापस फाइव ब्लैक बुनूंगी, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर टू वाइट बुनूंगी, वन और टू, फिर वन ब्लैक बुनूंगी, फिर वन वाइट बुनूंगी, फिर वन ब्लैक बुनूंगी, फिर टू वाइट बुनूंगी, वन और टू, वापस फाइव ब्लैक बुनूंगी, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर टू वाइट बुनूंगी, वन और ये टू, फिर वन ब्लैक बुनूंगी, फिर वन वाइट बुनूंगी, फिर वन ब्लैक बुनूंगी, फिर टू वाइट बुनूंगी, वन और टू और लास्ट फोर ब्लैक बुनूंगी, वन टू थ्री फोर। ये पूरा हमारा 12 सिलाई पूरा हो गया फ्रेंड्स। ये थोड़ा कंफ्यूज वाला था इसलिए हमने पूरा बता दिया। एक बार मैं आपको काउंट करके इसे बता देती हूँ। हमने फर्स्ट फोर लूप ब्लैक बुनी हूँ, फिर टू वाइट, फिर वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, टू वाइट, फाइव ब्लैक, टू वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, टू वाइट, फाइव ब्लैक, वन वाइट, फाइव ब्लैक, फाइव ब्लैक के बाद टू वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, टू वाइट, फाइव ब्लैक, टू वाइट, वन ब्लैक, वन वाइट, वन ब्लैक, टू वाइट और फोर ब्लैक। ये हमारा 12 सिलाई पूरा हो गया फ्रेंड्स। अब मैं 13 सिलाई आपको बताती हूँ। 13 सिलाई में हमारा फर्स्ट फोर लूप हमारा ब्लैक होगा, वन टू थ्री फोर, फोर लूप हमारा ब्लैक हो गया फ्रेंड्स। अब सेवन लूप हमारा वाइट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव और सेवन, सेवन लूप वाइट, उसके बाद फाइव लूप ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लूप ब्लैक और सेवन लूप वाइट, यही हमारा चलते रहेगा फ्रेंड्स। फाइव लूप ब्लैक और सेवन लूप वाइट। अब मैं पूरा बुनकर आपको बताती हूँ।
हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 13 सिलाई पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें आपको एक बार बता दूँ हमने क्या बनाया है। हमने फर्स्ट फोर लूप हमारा ब्लैक है, 7 वाइट है, 5 ब्लैक है, 7 वाइट है, 5 ब्लैक है, 7 वाइट है, 5 ब्लैक है, 7 वाइट है और लास्ट 4 ब्लैक है। अब मैं 14 सिलाई आपको बनाना बताती हूँ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अब 14 सिलाई में हम क्या करेंगे, 5 ब्लैक बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4 ब्लैक, 5 ब्लैक फ्रेंड्स और फिर 5 वाइट। 1, 2, 3, 4, 5 वाइट और 7 ब्लैक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 7 ब्लैक के बाद फिर 5 वाइट। 1, 2, 3, 4 और 5 वाइट, फिर वापस 7 ब्लैक। ऐसे ही 5 वाइट और 7 ब्लैक बुनते हुए पूरा सिलाई में पूरा करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 14 सिलाई पूरा हो चुका है। एक बार मैं काउंट करके आपको बता दूँ, हमारा फर्स्ट 5 ब्लैक था, फर्स्ट 5 लूप हमारा ब्लैक और फिर 5 वाइट, 7 ब्लैक, 5 वाइट, 7 ब्लैक, 5 वाइट, 7 ब्लैक, 5 वाइट और 7 ब्लैक। अब हमारा 15 सिलाई स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। 15 सिलाई में सिर्फ हम ब्लैक और रेड से बनाएंगे, वाइट ऊन हमारा यही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप तोड़कर यहाँ बांध दूंगी फ्रेंड्स। अब मैं 15 सिलाई बनाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, 15 सिलाई में हमारा फर्स्ट 4 लूप ब्लैक बुनूंगी। 1, 2, 3 और 4 लूप ब्लैक और 7 लूप रेड। हमारा इस साइड धागा है फ्रेंड्स। अब मैं इस साइड काट कर इतना यहाँ बांध दूंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं 15 सिलाई बुनूंगी। इसमें हमारा अब वाइट धागा ख़त्म हो जा रहा है, रेड और ब्लैक से ही बुनूंगी फ्रेंड्स। हमने रेड वाला ऊन लास्ट यहाँ तक ही बंद कर दी थी, यहाँ हमने बांध लिया है। फिर यहाँ से फिर वापस स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट 4 लूप में ब्लैक से बुनूंगी फ्रेंड्स। 1, 2, 3, 4 4 लूप हमने ब्लैक से बुना, अब मैं रेड से बुनूंगी और वाइट वाला ऊन भी यही कट करके और यहाँ बांध दूंगी, क्योंकि आगे वाइट से हमारा नहीं बुनाएगा। अब मैं यहाँ रेड जोड़ती हूँ और रेड के साथ मैं 7 लूप में रेड बनाऊंगी। 4 लूप वाइट के ब्लैक, 4 ब्लैक के बाद 7 रेड। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7
सेवन रेड, फिर फाइव ब्लैक, वन टू थ्री फोर फाइव ब्लैक, वापस सेवन रेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन रेड, वापस फाइव ब्लैक, ऐसे ही मैं पूरा बुनकर आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा देखो अब डिज़ाइन आपको पता चल रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है अब। और ये मैं काउंट करके बता दूँ, 15 सिलाई फ्रेंड्स, फोर लूप हमारा ब्लैक है और सेवन रेड है, फाइव ब्लैक है, सेवन रेड है, फाइव ब्लैक है, सेवन रेड है, फाइव ब्लैक है, सेवन रेड है और फिर फोर लास्ट ब्लैक है। अब हमारा 15 सिलाई स्टार्ट हो, 15 सिलाई ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। अब 16 सिलाई हमारा स्टार्ट होगा, 16 सिलाई भी हमारा ब्लैक एंड ब्लैक और रेड से ही चलेगा। फर्स्ट फाइव मैं ब्लैक बुनूंगी, टू थ्री फोर और ये फाइव, फर्स्ट फाइव हमने ब्लैक बुना फ्रेंड्स। फिर मैं फोर, फर्स्ट फाइव ब्लैक के बाद फाइव रेड बुनूंगी, वन टू थ्री फोर और फाइव रेड और फिर वापस सेवन ब्लैक बुनूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ब्लैक के बाद फाइव रेड, वन टू थ्री फोर और फाइव रेड, वापस सेवन ब्लैक, ऐसे ही मैं पूरा सिलाई बुनकर आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 16 सिलाई पूरा हो चुका। अब एक बार कितना प्यारा लग रहा है हमारा डिज़ाइन देखो फ्रेंड्स। अब मैं एक बार काउंट करके आपको बता दूँ, हमने फर्स्ट फाइव लूप ब्लैक बुना है और फिर फाइव रेड बुना है और फिर सेवन ब्लैक बुनी हूँ, फाइव रेड बुनी हूँ, सेवन ब्लैक बुनी हूँ, फाइव रेड, सेवन ब्लैक, फाइव रेड और फिर लास्ट फाइव ब्लैक। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा 16 ख़त्म हो चुका है, 16 सिलाई, 17, 18 और 19, ये तीन सिलाई हमारा 16 सिलाई की तरह ही चलेगा, रेड के ऊपर रेड और ब्लैक के ऊपर ब्लैक। अब मैं पूरा आपको 17, 18 और 19 सिलाई बुनकर बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने 16 सिलाई की तरह 17, 18 और 19 सिलाई सब बना ली हूँ फ्रेंड्स, रेड के ऊपर रेड और ब्लैक के ऊपर ब्लैक, एकदम सेम 16 सिलाई की तरह ही 17, 18 और 19, मतलब कि हमारा 16, 17, 18, 19 ये चार सिलाई एक जैसा चला है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने दो सिलाई ब्लैक से बुन ली हूँ, सीधा और उल्टा। और अब देखो ये हमारा स्नोमैन कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये आप छोटे बच्चों के स्वेटर में डालना फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा और बच्चा बहुत खुश होगा इस डिज़ाइन को देखकर। ऐसे ही मैं और भी खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास लाया करूँगी फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पैटर्न लाया करूँगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।